1977 में ऐसी दुर्घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि किसी कारण से स्पेन के ज्यादातर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले जहाजों को टेनरिफ एयरपोर्ट की तरफ भेज दिया गया था, जिससे इस एयरपोर्ट पर काफी एयर ट्रैफिक जमा हो गया था। इसी बीच किसी भी प्लेन के कैप्टन को 40% से ज्यादा फ्यूल ना भरने की वार्निंग दी गई थी, लेकिन KLM फ्लाइट 4805 के पायलट जेकब ने इस वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया और बिना मतलब उन्होंने फ्यूल टैंक फुल कर दिया। जब KLM फ्लाइट के उड़ने का वक्त आया तो उन्हें रनवे तक जाकर रनवे क्लियर होने का इंतजार करना था, लेकिन जल्दबाजी में उसने ये नहीं देखा कि रनवे पर पैनम की फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है, और अपनी जल्दबाजी दिखाते हुए जेकब ने जहाज को स्पीड दी और इस स्पीड की वजह से उन्हें 2 बार वार्निंग दी गई कि अभी एक और जहाज रनवे पर मौजूद है, लेकिन जेकब ने नहीं सुनी। और जब कैप्टन को अचानक जहाज दिखा तो उसने तुरंत जहाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन फ्यूल टैंक के फुल होने से उसका वजन बहुत ज्यादा हो चुका था, जिस वजह से ये जहाज नहीं उड़ पाया और सीधा जाकर पैनम के जहाज से टकरा गया, और दोनों ही प्लेन ने तुरंत आग पकड़ ली। और इस पायलट की बेवकूफी की वजह से इस हादसे में 583 लोग मारे गए।